एक बहुत ही ईमानदार अति सच्ची सुची शख्सियत दे मालक सदर रविंदर सिंह बिट्टू पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच जथेदार सदर अमरीक सिंह, सदारनी बलबीर कौर, हरमिंदर कौर, सरबजीत कौर, सदर हरनीत सिंह, चरणजीत सिंह, रमनप्रीत कौर, गुरशान जोत, जपलीन कौर, हरलीन कौर, गुरदित सिंह, गजिंदर सिंह, पवरीत कौर, हरशानबीर सिंह अते उन्हां दे समूह परिवार वल्लों शहीद करनैल सिंह स्टेडियम ईसड़ू लुधियाणा विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। रोग सोग सब मिट गए नित नवा ने रोवा दिन रहना प्याय का फिर पाए ना मोवा जिस दे तुझे अनान का सोई फिर होवा। सदर रविंदर सिंह जी का जन्म पिता जथेदार सदर अमरीक सिंह जी दे घर माता सदारनी बलबीर कौर हुणां दी कुखों ईसड़ू लुधियाणा विखे 25 सितंबर 1980 नूं होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगढ़ सियाणे अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। ग्रेजुएशन तक दी पढ़ाई पूरी करन उपरंत आप जी ने अपने पिता पुरखी किते खेतीबाड़ी अते अपने बिजनेस नूं अपनाया। आप जी ने खेतीबाड़ी विच खूब मेहनत कीती अते खूब नामना खटिया। आप जी लम्मा समा अपने पिंड ईसड़ू दे सरपंच वी रहे अते अपने सरपंची दे कार्यकाल दौरान आप जी ने पिंड दे विकास लई अहम यतन अदा किते। Thank you.
आप जी का विह 14 जनवरी 2006 होया। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਗੁਰਸ਼ਾਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਜਪਲੀਨ ਕੌਰ, ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਿਟ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। Oh,
इस उपरंत आनंद साहब जी दी छे पौड़ियां दा जाप करदे हुए समुची संगत वल्लों परमात्मा जी दे चरणां विच अरदास बेनती कीती गई अते पवित्र दरगाही बाणी तों हुकमनामा साहिब सरवण कीता गया। इस मौके वड्डी गिनती विच उच्च शख्सियतां ने शिरकत कीती अते कुछ शख्सियतां वल्लों उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल पेंट कीते। किसे दे लई वी नौजवान शरीर जदों अचनचेत जांदा पहलां तां मनण योग ही नहीं आउंदा, पर पातशाह का भाणा है वो भाणे अनुसार ही सरदार रविंदर सिंह जी 25 सितंबर 1980 को गुरु खालसा पंथ के बड़ी बख्शिश वाले सिंह भाई अमरीक सिंह जी उन्होंने घर और माता बलवीर कौर उन्होंने कुख तो उन्हों का जन्म होया और कोई 42 साल से लगभग 4 महीने भी अपनी आयु पूरी करके वो इस जहान तो रुखसत हुए ने, जिथे उन्होंने अहमियत भाई अमरीक सिंह होना दे बेटे दे होने करके भी है, पर नाल ही उन्हां दी जिहड़ी शख्सियत है वह भी बड़ी गुण भरपूर रही, जिस सदका वो बहुत ही नौजवान उम्र च लगभग 28 साल की उम्र के 2008 तो लैके 2013 इस पिंड के सरपंच रहे, पर पिंड भी पोलिटिकली एक्टिव बड़ा पिंड है, उस पिंड के वो सरपंच रहे, तो वो सदका ही है कि अज बेशक उन्होंने सरपंची कीती भी दहाके तो उपर हो समा हो गया कि बहुत सारे पिंडां दे सरपंच जिहड़े उस वक्त उन्होंने नाल जिन्होंने कार्ज किया वो भी उन्होंने नमेते थे अरदास शामिल होना है। उन्होंने इत्थे अपना किसानी जिहड़ा उन्होंने पूर्वजां दा किता उहदे नाल नाल मैरिज पैलेस या होर जिहड़े व्यापारक किते उन्होंने विच भी एक अपनी छाप छड्डी, जिहदे करके अज इत्थे मैरिज पैलेस एसोसीएशन वल्लों उन्होंने प्रधान पवित्र सिंह हुणी हाजिर होया, वार एसोसीएशन दे वल्लों शोक मत आया, पिंड दी कोऑपरेटिव सोसायटी दे वल्लों मत आया, वख-वख संस्थावां भगत पूरन सिंह गुरमत विद्यालय वालों मता आया, वो इसे सदका है कि रविंदर सिंह उन्होंने अपना एक प्रभाव दलाया। सो इस समागम बहुत सारिया राजनीतिक शख्सियत, समाजिक शख्सियत और गुरु खालसा पंथ के बहुत सारे योधे इस महाराज की सभा के सवायमान है, तो सारू उन्होंने निमित्त उन्होंने यादा के निमित्त समा नहीं दिता जा सकेगा, पर 4 बुलारे हैं मैं समझना कि जिन्हों के राही आप भाई अमरीक सिंह ईसू साहब होना दे जे समाज के राजनीति के पाए कूरने ने उन्होंने संबंधी जिक्र होएगा, तो सब तो पहला मैं बेनती करांगा सरदार जसवंत सिंह जी गजन माजा साहब जेड़े हलका अमरगढ़ तो MLA भी ने, पर उन्होंने ईसू साहब होना दे नाल परिवारक सांझ भी है, रिश्तेदारी भी है, मैं सब तो पहला उन्होंने बेनती करांगा कि वो संगत दे नाल विचार साझे करन। सरदार जसवंत सिंह गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच बैठी सूह सर संगति बलौक ते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असीं साडे बहुत ही सोटे वीर रविंद्रपाल जी की अंतम अरदास विच इकट्ठे होए, मेरे कोई शब्द नहीं है जिन्हां शब्दां दे नाल मैं साडे वीर अमरीक सिंह जी नूं भैन नूं साडियां बच्चियां नूं उन्होंने भरावान परिवार को ढास दे सकी, क्योंकि जवानी
दे विच विछोड़ा होना ये किसी भी शब्द के नाल पूरा नहीं हो सकता। ते अज असी वड्डी गिणती दे विच लाखां निवासी इत्थे आए हाँ। तो मैं समझदा कि सारे वालों इस परिवार के नाल एक निक्का रिश्ता एक बिन बोले एक अपने आप एक दुख बनाउण वाला एक साझा। इस परिवार की सरदार अमरीत सिंह की का किन्नी लंबी सेवा पंथ के लिए समाज के लिए कौन भुलिया गया अच वड्डी गिणती ये गल गवाही भरती है। तो मैं वेख्या जदों भी असं अफसोस कर आए तो इन्होंने शायद गुरु साडे पिता का संगत सरबंस सदानी दे तो आसरा लिया तो हमेशा ही यही शब्द कहा उन्होंने माया तो ले गए तो मेरा इतने की है ये शब्द कौन कह सकता ये दसम पिता का पुत्र ही कह सकता तो होर नहीं कोई कह सकता। तो मैनू बड़ा दुख हुंदा भी अज एडे वे कुरबानी वाले परिवार के लिए अज आप इतने कोई शब्द भी वे साझे नहीं कर सकते पर एक गल जरूर साझी करदा कि कौम दो चीज़ों के नाल जिउंदियां ने जां ज्ञान के नाल जिउंदियां ने जां इतिहास के नाल जिउंदियां ने। साडे कोल मानवती गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान ते दुनिया के एक लाजवाब साढ़े को कुरबानिया का इतिहास। तो मैं बहुत लंबी चेर बच्चों पढ़ाया तो मैं बड़ा दुख होंदा भी साड़ी कौम ज्ञान तो भी वांझा हो रही है तो इतिहास तो भी वांझा हो रही है। तो मैं लगता भी आप किसी उस भुल गए रस्ते तो भुल गए जिस रस्ते से सानू संदेश दिता था पिता ने साढ़े बच्चों सानू गुरबाणी का ज्ञान नहीं सानू इतिहास का ज्ञान है तो साढ़े ते बड़िया बड़िया यह भुल हो चुकी ने। मैं समझदा भी अज जिहड़ा कि साढ़े समाज के एक बड़ा कारोबारी तौर पर भी सरपंच के तौर पर भी रविंद्रपाल जिस दिन मैं देर रात आ रहा उस दिन मेरे को टाइम नहीं चंडीगढ़ में जाना सी संगत ने मैं गल कि समझी करा भी साढ़े पुत्र की घरे लाश पई हो उसे उसके पैलेस के ब्याह भी होता हो भी सानू झलना पड़ता ये भी साढ़े नाल साझ पानी पैंती है। तो मैं आम आदमी पार्टी वालों साढ़े बहुत सारे वलंटियर आए हैं भगवंत मान जी वालों पूरी पार्टी वालों इस परिवार के नाल क्योंकि लंबी देर तो परिवार साढ़े नाल जुड़े हुए हैं तो इन्होंने सरदा के फुल फिट करते हैं। तो मैं विशेष तौर पर साढ़े पांच छह दिन तो एम एल ए खन्ना दूर आउट ऑफ स्टेट गए हुए सन मैंने विशेष तौर पर उन्होंने भी फोन कराया कि मेरे वालों भी हाजरी लगा दी थी। तो असं अपने वालों अमरगढ़ हल्के वालों पैला हल्के वालों खन्ने वालों तो सारी पार्टी वालों तो असं अपने परिवार वालों सरदा के फुल फिट करते हैं परमात्मा पाणा मानदा बल बख्शे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਖੁਸ਼ਕਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੋ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਖਮ ਰੂਪ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ
ਕੱਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਥਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਟੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਲਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਲਈ, ਪਿਤਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਲਈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਸਥਾਨ ਮੁੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਲ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਦਸ਼ਰਥ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਵਨਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਓ ਮਹਿਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਗਿਆ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਮੁੜਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ,
इन्हें कदे वापस नहीं आना। वो इस भाने जिस सिदक नाल जिस अकाल पुरख वाहेगुरु के भरोसे नाल अकाल पुरख वाहेगुरु के हुक्म नूं तसलीम करता है, मैं समझदा सचमुच ही सानू गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी वर्गा पिता मां गुजरी वर्गी माता जिन्हां ने चमकौर की जंग के अंदर अपने हाथी अपने पुत्रां नूं कौम की होंद बचाने लिए शहादत के रूप में संसार विचों तोरिया। जदों माछी माड़े के जंगल तो बाद लंघ के राय कले की हवेली दे विच उन्होंने नूबे माही ने जाके दसिया कि पातशाह तेरे छोटे लाल भी जूंदे जी दरबार चिण दिते गए, तुहाडी माता भी सदा की नींद सौ गई। तो उस पिता ने काही का बूटा पट के कहा सी कि जुल्म की जड़ पुटी गई। नाल अगले शब्द वरते कि हे अकाल पुरख वाहिगुरु तेरी अमानत तेरे कोल चली गई, मैं सुरख रूह हो गया। जदों पुत्रां दा विछोड़ा कितने वापरदा ये असह भी है अकाय भी है दुखदायक भी है, पर जदों इहदे भाणे नूं मनना होवे अकाल पुरख वाहिगुरु की रजा विच गुरबाणी की टेक के अंदर इतिहास के लहू भिजे पन्नों के प्रेरणा राही कि असी इस विछोड़े को सह सकते हैं। सरदार अमरीक सिंह जी अज तो 40 साल पहला जो दरबार साहब पर हमला होया बड़ा तशद्दुद इन्होंने सहारिया, पटियाले के नाभे की जेल के अंदर असी बहुत लंबा समा कट्ठे रहे नैशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। उदों तो लैके लगातार अज तक खालसा पंथ की अंतरी आजाद ते न्यारी हस्ती ले खालसा जी के बोल वाले ले पंथ की जीत ले सरबस दे भले ले लगातार इन्हां दे जतन जारी ने समाज के खेत्र विच धर्म के खेत्र विच और अपने नगर नूं उच्चा चकण विच बहुत वड्डा योगदान सरदार अमरीक सिंह जी का उन्हां दे भरावां दा और उन्होंने सपुत्र का है। वैसे तो यह है कि इसड़ू की धरती के अंदर अणख ते गैरत ते सवाए मान नाल जीवन की जो ये जरखेज मिट्टी है ये अंदरों कदे ना कदे किते ना किते कोई ना कोई ऐसा सूरमा उठता जिहड़ा समय के हुक्मराना के जबर जुल्म अत्याचार के विरोध के खिलाफ अपनी हमेशा बार बार बुलंद करता रहा। और इतों ये आवाज़ हमेशा उठती रही उठती रहे ये साड़ी अरदास है। मैं ज़्यादा समा ना लेंदा होया खास करके उन्हां दी धर्मपत्नी नूं ये बेनती करांगा कि अज तो बाद उन्हां नूं केवल माँ का रोल नहीं बल्कि पिता का रोल भी अदा करना पैना। जिस किस्म की विरासत सेवा की अणख की गैरत की स्वाभिमान की तुहाडी झोली विच तुहाडे पिता जी सरदार अमरीक सिंह जी ने पाई फिर उस किस्म की विरासत को सरदार रविंद्रपाल सिंह ने सांभ के अगे तोरन का जतन किया। ये तुहाडी विरासत है इनू होर अगे तोरन लई अपने बच्चों समाज के चंगे शहरी बनाने का जतन करो। गुरसिखी दे लड़ ला के गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के पुत्र उन्हां दी धी होने विच माण महसूस करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सरदार रविंद्रपाल सिंह जी ने परिवारक तौर के उत्ते तीन भैन भाई सन, सब तो बड़े उन्होंने भैन जी सरबजीत कौर जी, उस तो बाद सरदार रविंद्रपाल सिंह और सब तो छोटे सरदार चरणजीत सिंह जी। और 2006 उन्होंने आनंद विवाह होया बीबी हरविंदर कौर जी उन्होंने नाल, और 4 बच्चे ने उन्होंने महाराज सारे परिवार के उत्ते अपना बख्शिशा भरिया हथ रखे। तो इस सभा के बहुत सारिया राजनीतिक शख्सियत भी आईया ने और हाजरी भी लवा के गई ने, जिन्हों के कुछ शोक संदेश भी आए हैं।
सब तो पहला मैं धन्यवाद करांगा सरदार सिमरनजीत सिंह जी महान प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जिन्हों का संदेश परमपाल सिंह जी भिखी होना दे रही आया और उन्होंने जथेबंदी वालों सरदार महेंद्रपाल सिंह जी तथा हरभजन सिंह जी वो भी हाजरी लवा रहे हैं उन्हों का धन्यवाद है। और इस प्रकार पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबका प्रधान शमशेर सिंह जी दुल्लो यादविंदर सिंह जी जंडाली जिले जिला परिषद के चेयरमैन ने वो भी आए हैं हाजरी लवा के गए हैं। उस तो बिना राजकुमार जी सानेवाल जिहड़े मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन ने उन्हां दा संदेश आया और इस हल्के तो MLA तरनप्रीत सिंह जी सौंद उन्होंने पिता जी आए हैं नवजोत सिंह जी जरग आए हैं संतोख सिंह जी सलाणा जिहड़े इंडिया के बहुत बड़े लीडर बाबू कांशी राम जी उन्होंने नाल बड़ा समा उन्होंने मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के काम किया वो भी इत्थे हाजिर ने। बहुत सारिया होर भी शख्सियत इतने आके हाजरी लवा के गई ने। सो हूँ मैं बेनती करांगा भाई हरपाल सिंह जी चीमा जिहड़े दल खालसा जथेबंदी के प्रधान ने और दल खालसा वालों होर भी बहुत सारिया शख्सियत हरचरणजीत सिंह जी धामी भाजी कमरपाल सिंह जी परमजीत सिंह जी मंड जसवीर सिंह जी खंडूर शख्सियत इतने हाजिर ने उन्होंने सारिया का भी धन्यवाद है। तो उन्होंने वालों भाई हरपाल सिंह जी अपने विचार सांझे करेंगे। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब साहब जी की हजूरी के साहबान साहब संगत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप अज बहुत ही दुख भरे एक समागम के एकत्र हुए हैं। हरेक इंसान ने जो भी इस दुनिया चाहे चले जाना उन्हें चाहे कोई जवानी के समय जाए चाहे कोई बुढ़ेपे के जाए रहना किसी नहीं पर जो कभी कोई बंदे ने गल जिंदगी किसी बारे सोची ना हो तो एकदम उसको पता लगे कि वह वीर या सज्जन इस दुनिया के उत्ते नहीं रहे तो बहुत बड़ा धक्का लगता है। कोई शब्द नहीं इदा के जेडे मैं भाई अमरीक सिंह उन्होंने नाल अपनी जथेबंदी वालों साझे कर सका। उन्हों का अपना जीवन भी भाई अमरीक सिंह उन्हों का बड़ा एक संघर्ष भरपूर जीवन है। अपनी दो जिंदगी दे विच हुण तक उन्हां शख्सियतों के नाल उन्हां जथेबंदियों के नाल जुड़े आ रहे हैं जिन्हां ने अपनी कौम दे लई आजादी की हमेशा ही खास रखी है और आजादी के लिए लड़ते आ रहे हैं। सो भाई अमरीक सिंह उन्हों का जीवन है जिहड़ा इस तरीके की एक आप वो बड़ा लंबा समा जेलों के विच रहे ने दस्या है गल भाई कर्नैल सिंह उन्होंने भी ये गल आपजी के नाल साझी की है कि नैशनल सिक्योरिटी एक्ट के विच वो काफ़ी लंबा समा कौम की आजादी के लिए वो जेल के विच रहे ने। हाँ एक गल शिव कुमार बटालवी की जरूर याद आती है जो तो इस समय के उत्ते इदा का नौजवान चले जाता है वो एक गल कहता कहता जोबन रुत्ते जो भी माता फुल बने जा तारा। ये जोबन की रुत के चले जाना बहुत असह है और इदा दीज़ा के नाल उन्हें विचार सांझे वो किए ने इदा की चीज़ के नाल जोड़िया तारा तो फुल दो चीज़ा जड़िया ने वो इस जिंदगी दे विच बहुत अहम है जिहड़ा वो थां रखती ने। सो मौत दे पठाए संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवालिआं दे भी सदा ही यह विचार रहे ने। वो कहिंदे अपनी जिंदगी मौत मर जाना शरीरक तौर दे उत्ते मर जाना मैं उहनूं मौत नहीं समझदा पर जमीर का मर जाना ही असली मौत है। सो परिवार ने बड़ा लंबा समा उस जमीर से संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवालिआं दे विचारां दे नाल उन्हां दे नाल सांझे कीते है और अपनी जमीर है जी वो कायम रखी है। सो मैं अपनी पार्टी वालों
अपने सारे वीरां वालों शरदा दे फुल भेट करदा भाई रविंद्रपाल सिंह उन्हां नूं अते परमात्मा दे अगे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे बेनती करदा कि सच्चे पातशाह परिवार नूं चढ़दी कला दे विच रखे, परिवार नूं पाणा मटन दा बल बख्शे। सो श्री गुरु ग्रंथ साहिब साहब जी महाराज सानू सारिया नूं मेरा भरिया हथ रखण, असी कौम की आजादी दे लई सदा ही लड़ते रहिए। इन्हां ही शब्दां दे नाल दास खेड़ा दा जाचक है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह सरदार रविंद्र सिंह होना का एक समाजिक ते राजनीतिक दायरा रहा, उसी प्रकार उस तो बहुत वड्डा पंजाब पद्धर तक का दायरा भाई अमरीक सिंह जी होना का रहा। गुरु की हजूरी दे विच मैं बचन करता है, कोई बहुत ही वड्याई के करके नहीं औखी गल करता। जिन्ना मेरा कि दो दहाके का तजर्बा, मैं बहुत थोड़े मनुख देखे जेडे 78 या 84 तो चले तो लगातार ही चले। खाड़कू संघर्ष के भी जी राजनीतिक धिर सी संत जरनैल सिंह होना संबंधित वो भी महाराज ने सारे को बहुत बड़िया सेवावान लिया, पर थोड़े ऐसे रहे जिन्होंने लगातार ही परखा च पाई रखे कि सह ही नहीं आने। भाई अमरीक सिंह होनी उन्हें कुछ एक बंद बहुत्या पातशाह ने इस संघर्ष के बदले बहुते बख्शे, एस जी पी सी मैंबर बने, कुछ प्रधानगियों तक भी हूँ भी एस जी पी सी दधानगियों तक उ पहुँचते हैं ज एग्जैक्टिव उ आते हैं जिन्हों का संघर्ष का कोई पिछोकड़ है। एम एल ए बने, एम पी बने, पर कुछ शख्सियतें ने वो बसुर उंगलों के गुण गिन जोगियां ने जेडे लगातार ही संघर्ष वाले पाल ही खड़े रहे लगातार उन्हां चों। तो उस ही सदका ही अज जिथे पंजाब की हर बनगी की पोलिटिकल लीडरशिप आई, जिस तरह कहते ना संत की भूरी के सारे का इकट्ठ होंदा, जिहड़ा सुरत करके किरदार करके नैतिक तौर पर उच्चा होंदा उहदे सारे जान च फखर महसूस करते, हाजरी नवान च फखर महसूस करते। बादशाह तो कहिंदे ना कि दरगाह च करती करनी कीरत वाची है, तो मैं ये समझना कि कुछ बंदियां दी करनी इत्थे भी दस दें दी दरगाह तो दसनी है। तो बहुत सारिया मायनाज शख्सियतां इन्हां नूं मैं समा नहीं दे सकांगा। हुण अखीर दे विच एक बुलारा भाई दलजीत सिंह होणा ने बोलना, पर जिहड़ियां बहुत सारे योधे खाड़कू संघर्ष दे आए ने मैं उन्हां दा धन्नवाद करना चाहूँगा। उन्हां तों पहला भाई नारायण सिंह जी इत्थे हाजिर ने, भाई भुपिंदर सिंह जी पहलवान हाजिर ने, भाजी मनजिंदर सिंह जी ईसी साहब हाजिर ने, हरनेक सिंह जी बटारी साहब हाजिर ने, सुरेंद्र सिंह जी किशनपुरा, जरनैल सिंह जी हुसैनपुर, दलजीत सिंह जी मोलाबादपुर, बाबा हरदीप सिंह जी महाराज साहब, तो होर भी बहुत सारिया शख्सियतां हन जिन्हां दा इस संघर्ष के बड़ा योगदान रहा। उन्होंने सारे का भी मैं धन्यवाद करदा। तो उन्होंने सारे वालों मैं बेनती करूँगा भाई साहब भाई दलजीत सिंह जी होना कि वो संगत के नाल अपने विचार साझे कर। इस तो बाद समाप्त वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सज्जन मेरे रंग ले जाए ते जय राम। रविंद्र सिंह मैं जदों तो जानता रविंद्र सिंह मैनू उदो ही शेरा याद आता सदा बिच अमरीक सिंह जी लिखे जिंदा दिल दसदा सारिया नू प्यार करता सारिया का प्यारा और चला गया। जिन्नियां भी सिफतां कर लो वो सारिया ही उत्ते लागू होंदियां। वो इहो जी रूह सी ते भाई अमरीक सिंह होने बारे गल करिए
ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਪੰਥਕ ਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਪਾਲਾ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਕਲਕੱਤ ਲਈ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ, ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਕੌਮ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਸਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੀ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੰਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਵੱਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਮਿਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨੇ, ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਲਈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਹਰ ਖੇਮੇ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਸੱਜਣ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੱਕ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ।
इन्नी अहमियत होती है। अंत में मैं फिर सारे ही जो भी आए हैं उन्होंने तुरते लोग धन्यवाद करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इतने ही जड़िया शख्सियत पहुंची सन उन्होंने समाप्ति है। कुछ शख्सियत जिन्हों के नाम है समझना कि जरूर संगत के नाल सांझे किए जाने चाहिए। बाबा बलवीर सिंह जी जेडे काटकू संघर्ष के शायद एक ही एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने दो मान्यता वो भी इतने हाजिर ने। भाई कुलवीर सिंह जी बड़ा पिंड उन्होंने वालों भी सोख संदेश आया और जिते इतने योधे आए हैं उत्थे बहुत सारे विद्वान भी इस अज इस अज की शख्सियत सभा के बैठे ने, जिन्होंने भाई सेवक सिंह जी, भाई राजपाल सिंह जी, भाई सेवक सिंह जी, भाई राजपाल सिंह जी और इस प्रकार सुखदेव सिंह जी डोड, जिन्होंने अपनी कलम के नाल सिख संघर्ष के बारे कवितावान लिखिया और गाइया, और दुआबा ढाडी सभा के सकत्र सतनाम सिंह जी भारापुर वो भी इतने हाजिर ने। राम सिंह जी टपाली जेडे गुरु घर के प्रचारक रहे हैं विदेशों के भी, वह भी इतने हाजिरी लवा रहे हैं। और उस तो बिना अकाल तख्त साहब के पंज प्यारे जिन्होंने 2015 अपना एक पंथक फर्ज पूरा किया, सतनाम सिंह जी झंझिया तथा सतनाम सिंह जी खंडेवाला, वो इसे ही समागम के आ रहे थे। फलौर के नेड़े उन्हों का काफ़ी सीरियस हादसा हो गया, वैसे महाराज ने कृपा की थी कि बच तक गए। उन्होंने वालों भी मैं हाजिरी लवाना। और इस प्रकार हाकम सिंह जी नसराली जेडे खंडवेल बुढ़ेवाल के डायरैक्टर ने, अकाल अकैडमी ढींसा का स्टाफ के प्रिंसीपल साहब आए हैं, और गुरबख्श सिंह जी बीजा कुलार हस्पताल बीजे वाले, वो यादविंदर सिंह जी जादू बादल लाल के लीडर, उन्होंने सोख संदेश आया है। और इस तरह मनमोहन सिंह जी खेड़ा, गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स ट्रैडी माशीवाड़ा, और इस प्रकार संत कबीर अनाथ आश्रम पिंड भादला गोबिंदगढ़, उन्होंने सारे वालों जसविंदर सिंह जी माणक माजरा और उन्होंने जथे के साथी इंजीनियर दिलप्रीत सिंह जी जेडे हेमकुंड साहब में कट्ठे जाते थे, वो जथे के सिंह भी आए हैं। होर भी बहुत सारिया शख्सियत होनगिया जिन्हों के मैं नाम नहीं लै सकिया। लखवीर सिंह जी सलाना साहब बैठे, सारिया का ही महाराज के दरबार के हाजरी भरन के लिए धन्यवाद है। सो इत ही समाप्ति है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हुण देग वरतेगी, जिसने अजे प्रसादा का जल पानी नहीं छकिया उसनूं परिवार वालों बेनती है कि वह छक के जान। हुण देग वरतेगी ते महाराज का सरूप जाएगा, उस तो बाद आपां पातशाह को छुट्टियां लवांगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।